पश्चिम बंगाल के जिला अलीपुर द्वार ब्लॉक कालचीनी में राजाबाद खोचा बगान में तेंदुआ बाघ के हमले से 12 वर्षीय उमेश मुंडा की मृत्यु सेक्शन नंबर 8 में ही हो गई। अच्छा, उस दिन क्या घटना हुई रहे? बाघ जे खाना पुगाई जात रहे, खाना पुगाई जात रहे, खाना पुगाते पुगाते तो अब खाना 10 नंबर रहे काम। 10 नंबर से हमें तो खाना पुगाई पुगबो नहीं कर लग जे हमें और घूर के आल तो है खबर सुने के बुद्धि खबर सुनाई गला कि उके बाग में दिला। उमेश मुंडा हर रोज की तरह अपने पिता प्रीतम मुंडा के लिए खाना लेकर चा बागान में जा रहा था। सेक्शन नंबर 8 में पहुंचा तो बाघ ने उसे अपना शिकार बना लिया। लोगों में आक्रोश गुस्सा दिखाई दिया रहा था। हर साल चा बागान में बाघ का हमला, सांप का डसना एवं हाथी का उत्पात चा बागान में होता रहता है। एक आतंक जैसा फैला हुआ है क्योंकि वह बाघ अभी मोहल्ले में घुस सकता है। वह कभी भी मैंने बच्चों के ऊपर भी अटैक कर सकता है क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि लाइन के बगल में दिन दहाड़े वो उसी आसपास मैंने बगल में छिपा हो रहा था। वो मेरे मैं ये आपका दो हफ्ता पहले मैं घर में 2 बजे खाना के मैं बैठा हुआ तो उसी दरमियान घर के बगल में जस्ट घर के बगल में एक बकरी को उठा के ले गया। मैनेजर संगे इरा के किंतु चिट्ठी मोर जगह रिकॉर्ड है। हम चिट्ठी कह रही जे का करबन बगन कर आदमी माने पूरा चिट्ठी करा ला है हमार क्रैकर्स बजाबा कह रहली बम बजा के ले फुटा के ले कह रहली ठीक है इमन कह रहली और जिसन भी इसे खबर पा फोर्स डिपार्टमेंट के जानाबा तले हम संगे संगे एक्शन लेगा ई भी चिट्ठी में लिखल रहला जे सरकारी नियम है फॉर्म टू फिल अप करे और डेथ सर्टिफिकेट जल्दी निकले पड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उठो निकले पड़ी और जे हम कंपनसेशन टू है कंपनसेशन टू पेमेंट करब। पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट कंपनसेशन देने की बात कही है। हाल ही में अभी उन्हें 1,67,500 का चेक एवं 20,000 रुपया कैश अमाउंट दिया गया है। देखन हाले तोरे का डिमांड कराला का चाहला का डिमांड कर गए आज 20,000 तो दे देला चेक कितना दे 1,60,700। ग्रामवासियों का डिमांड है घटना से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द बाकी मुआवजा राशि दिया जाए। इसके लिए कॉल कर दबाव बनाए ADFO अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट मंजुला तिर्की 9933416751 नंबर में। मैं हरिहर नागबंशी पश्चिम बंगाल अलीपुर द्वार से इंडिया अनहर्ड के लिए।